बुलंदशहर, शस्त्र लाइसेंस से पहले लगाने होंगे 10 पौधे। शस्त्र आवेदनकर्ता को पौधरोपण के बाद पौधों की परवरिश का भी देना होगा शपथ पत्र। हैसियत प्रमाण पत्र और अन्य सेवाओं से पहले अनिवार्य किया जाएगा 10 पौधे लगाने का नियम। डीएम बुलंदशहर की शस्त्र से पहले पौधारोपण मुहिम की हर तरफ हो रही प्रशंसा। शस्त्र का आवेदन करने वालों को शपथ पत्र के साथ देना होगा जियोटैग का विवरण। पौधारोपण अभियान को बल देने के लिए डीएम ने शुरू की मुहिम। बुलंदशहर से इकराम खान की रिपोर्ट। हमारे जनपद में लगभग 36,000 लाइसेंस धारी हैं और 12,000 लाइसेंस धारियों का प्रति वर्ष रिन्यूअल होता है, यानी अगले 3 साल के लिए उनका रिन्यूअल होता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम 10 पेड़ लगाए रिन्यूअल से पहले और उनकी देखरेख करे तो आप ये मानिए कि 1,20,000 पेड़ लग गए जिनकी देखरेख बिना किसी पैसे के और बिना किसी मेहनत के हो जाएगी। और इसी तरीके से हर साल 1,20,000 पेड़ इंडिविजुअल लोगों द्वारा लगाए जाएंगे। तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि ये पेड़ बचेंगे भी, सुरक्षित भी रहेंगे और जीवित भी रहेंगे। इसी प्रकार मैंने कहा, तमाम दूसरी जगहों के आर्मी पर्सनल हैं, दूसरे ज़िलों के लाइसेंस यहाँ दर्ज होने के लिए आते हैं, उन पर भी कहा है मैंने कि अगर दर्ज होना है तो पहले वो स्वयं जाएं, 10 पेड़ लगाएं, उसकी जियो टैग फोटो फाइल के साथ संलग्न करें। उनकी अपनी ज़मीन है उस पर लगाएं, उनकी अपनी ज़मीन नहीं है तो गांव में या जहां भी रहते हैं, सार्वजनिक जगह है, पार्क है, वहां 10 पेड़ लगाएं, उसकी फ़ोटो लगा करके दें। इसी प्रकार अगर कोई नया शस्त्र आवेदन करना चाह रहा है तो उसे भी 10 पेड़ लगाने होंगे, जियो टैग फोटो लगानी होगी और इससे प्रतिवर्ष लगभग 125,000 पौधे जनपद में, जो हमें अभी जैसे मैंने 43,00,000 वृक्ष हम लोग लगाए हैं, जियो टैग भी कराएं, इसके इतर इतने पेड़ इंडिविजुअल लोगों द्वारा लगाए जाएंगे। तो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि जो हमारा फॉरेस्ट कवर है वो बढ़ेगा और जो व्यक्ति स्वयं पौधे लगाता है उसकी देखरेख भी करता है और हम लोग भी जो पौधे व्यक्तिगत रूप से लगाते हैं उनकी देखरेख अनिवार्य रूप से करते हैं। मेरा अपना मानना है कि ये इससे हमारे ज़िले का जो वृक्षारोपण है वो आगे बढ़ेगा। मैं इससे पहले भी कासगंज जिले में था, वहाँ भी अनिवार्य रूप से था कि कोई भी व्यक्ति अगर रिन्यूअल करवाना है, दर्ज करवाना है या नया शस्त्र लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, उसे 10 पेड़ लगाना ही लगाना है। और मैंने कई बार वहाँ निरीक्षण भी किया तो जो लोगों ने पेड़ लगाए थे वो जिंदा थे। तो मैंने ये वही यहाँ रेप्लीकेट किया है बुलंदशहर में और देखते हैं कितना सक्सेस होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे यहाँ के लाइसेंसधारी हैं या जो नए शस्त्र लाइसेंस चाह रहे हैं वो जरूर 10 पेड़ लगा करके ही हमारे पास आएंगे। ऐसा मैंने SDMs को, सिटी मजिस्ट्रेट को और सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बिना 10 पेड़ लगाए ना तो किसी का रिन्यूअल किया जाए और ना ही किसी शस्त्र के लाइसेंस की संस्तुति की जाए। सर, पिछले दिनों जैसे कोरोना आ गया था उसमें ऑक्सीजन की कमी, भारी कमी की लत हो गई थी पर्यावरण में, तो क्या आइडिया उसी को लेकर के है कि सुरक्षित रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे? नहीं, ये मैंने कोरोना से पहले ही कासगंज में शुरू किया था और बहुत सकारात्मक परिणाम थे और वहाँ भी एक 100 हेक्टेयर में गंगा वन और 325 हेक्टेयर में भागीरथी वन की सबके सहयोग से स्थापना हुई थी और वहाँ का जो वनीकरण है वो बहुत ही शानदार तरीके का है। और इस बार बुलंदशहर में भी सबके सहयोग से अब तक 35,00,000 वृक्ष लगाए जा चुके हैं और ये जो है 10 पेड़ लगाने का आम लाइसेंस से मैंने जोड़ा है, इसको मैं और आगे भी ले जाऊंगा। जो तमाम जैसे हैसियत प्रमाण पत्र है, चरित्र प्रमाण पत्र है, उससे भी मैं इसको जोड़ूंगा।